तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप होम फर्स्ट ईयर के आपके फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हम बात करते हैं हर वीडियो में, लाइक इसको हिंदी भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके साथ ही इसके बुक वगैरह के बारे में भी बात करेंगे और आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि अपने एग्जाम में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं उससे पहले आप लोग बता दूँ कि आजकल वीडियो थोड़ा शायद डिले हो रही है, टाइम पर नहीं आ पा रही। इसका कारण आप लोग जान रहे हैं बहुत से लोग कि मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ और जो है कि थोड़ा नया सेटअप अपना बना रहा हूँ, तो शायद इसमें कुछ टाइम लग सकता है। चलते हैं अपने कंटेंट पर, बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फार्माकोग्नोसी, ठीक, इसके बारे में हम बात किए थे थोड़ा बहुत। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि फार्माकोग्नोसी पे है। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला ये जानना जरूरी रहता है, लाइक कि डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी अगर बोला जाए तो कूल ड्रग की जिसमें आप स्टडी करते हो उसे फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। मैं छोटा सा और एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि कूल ड्रग क्या होता है, जो कि आपसे वाइवा वगैरह में या फिर आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक। आपके बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगा, जैसा कि हम दिखा देना चाहेंगे। ये जो मेरा ई बुक है, इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से जाके। सॉरी, थोड़ा अभी नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ये सभी इधर बुक हैं। यहाँ पे आपकी फार्माकोग्नोसी ये है, देखिए। और इसके बाद हम बात करते हैं, लाइक कि ये बुक है तो क्या कुछ है, कैसे लिखना है। तो आते हैं थोड़ा सा कंटेंट पे, तो ये देख सकते हैं लाइक फार्माकोग्नोसी क्या है और कूल ड्रग क्या है। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर समझ में आ जाए। ये देखिए, तो ये चीज़ जो है कि दोनों जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं पता है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में देने की कोशिश किया हूँ ताकि आप बहुत कम लिख के और एक अच्छा मार्क्स ला सकें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, गिव द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड उसके हिस्ट्री को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। फार्माकोग्नोसी का क्या हिस्ट्री है। इसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं स्वदेशी चिकित्सा जो अपना है, जिसको कि आजकल जो है कि सॉरी राजीव दीक्षित तो आजकल नहीं बोल सकते, लेकिन राजीव दीक्षित ने बहुत प्रमोट किए। इस बाद यहाँ पे अभी ट्रेंडिंग में डॉक्टर विश्वराय रूप चौधरी, तो मैं वो टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो यही चीज़ के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, लाइक आयुर्वेदी, यहाँ पे आयुर्वेदा, सिद्धा, जो है नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, ये सब के बारे में, होम्योपैथी वगैरह। तो यहाँ पे ये जो है सबको आपको अच्छे से समझना चाहिए और याद करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जिस तरह से आप लोग जो भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप जो है कि एलोपैथिक के डी फार्मा कर रहे हैं, लाइक कि एलोपैथिक में डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो अपना मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको कि अंग्रेजी दवा बोलते हैं नॉर्मली ऐसे लोग, और जो अपना एलोपैथिक है, उससे हटके आयुर्वेदा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, ये भी एक अपना इसी तरह का एक पैथी है। जैसे कि आयुर्वेदा तो एक चिकित्सा पद्धति है, तो ये जो अपना स्वदेशी है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फार्माकोग्नोसी के जो है कि ये सब के बारे में ही, आयुर्वेदा वगैरह के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, प्लांट्स वगैरह के बारे में, तो ये जरूरी रहता है आपको। इसको हम थोड़ा और दिखाएंगे आप लोग को बुक में। इसके बाद यहाँ पर ये खेला कि वाट आर द फार्मास्यूटिकल एड, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, कई जगह हम देखें तो आया हुआ है। इसके बाद ये चीज़ जो कि आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ये सब याद करना है, लाइक कि ऑफिशियल सोर्स क्या है, साइनोनेम क्या होता है, ज्योग्राफिकल सोर्स मीन्स होता क्या है, किसको ज्योग्राफिकल सोर्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, कल्टीवेशन क्या होता है, प्रिपेयर फॉर ड्रग मार्केट, ये लाइक कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये होता क्या, ये सब के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है, एडल्ट्रेशन यूज, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत जल्द आपको हिंदी भी दिखाते हैं। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं, सेनालिप्स वगैरह का, ऑपिम वगैरह का। और इसको बात करें हिंदी की, तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो है कि देख सकते हैं टोटल है यहाँ पे, जैसा देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी के दायरा दीजिए। थोड़ा सा आपको जो है कि दिक्कत हो रहा होगा, बट समझ जा रहे होंगे, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है इस तरह से। और यहाँ पे मेडिसिन का स्वदेशी सिस्टम, चिकित्सा की अवधारणा, आयुर्वेदी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, यूनानी, तो ये सब है, जो कि एक यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका टोटल आ जाएगा। एक यहाँ से ले लीजिए और एक यहाँ से जो हिंदी में आप लोग पढ़ना चाहते हैं। इस बार अगर आप ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी की बुक यहाँ पे है, जो कि ये सब इसमें आपको कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो इस तरह से। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फार्माकोग्नोसी की पार्ट टू होगी। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें काफ़ी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।